अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहे तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत से फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसा बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने भी तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा कोई शख्स मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दें। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं। कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो।